वैसे मजा नहीं आ रहा, घर वाला माहौल बन गया है। मतलब प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे, मेहमान खसूसी भी यहाँ है, और दूर से मैम इशारे कर रही हैं कि मिसबिहेव नहीं करना। ऐसा ही होता है ना घर के लाउंज में, जब हम बैठे होते हैं तो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो दूर से अम्मी अबू इशारा कर रहे होते कि बेटा मिसबिहेव नहीं करना, एक्टिंग कर लो, प्रिटेंड कर लो, बेशक अंदर खाते कोई तमीज़ नहीं है लेकिन तमीज़ से बात करने की एक्टिंग कर लो। अच्छा मैम उतर रही हूँ, आई नो प्रिंसिपल साहिबा का मूड ऑफ हो गया है। भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का ब्रेकअप हो जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल के पास हर बात का एक ही हल है। भला क्या? कि आप मेरे पेरेंट्स को बुला के लाए। स्टेज पे थी मैं, हंस रही थी सबको, मैंने देखा आप। मेरे बाथरूम वाले जोक पे सबसे ज्यादा आप ही हंसी थी। सो विच मीन्स के आपको क्लियरली बुरा नहीं लगा, राइट? नो, इट वॉज गुड, राइट? इट वॉज गुड। इन माई अंडरस्टैंडिंग इट वॉज अ ब्रिलियंट सेट। पर इनको कौन समझाए? कह रहे हैं कि मेहमान खसूसी के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी है, हमें एम्बेरस कर दिया है। भाई जाके मेहमान खसूसी से भी तो कोई पूछ ले, शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हो, जो मुझे लग रहा है कि आपका है। बट यू नो वॉट, आई थिंक ये आपका प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है। गॉड, बच्चों का फ्यूचर और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों ही खराब है, तभी तो ये सब हो रहा है। ये देखिए, ये मुझे पकड़ा दिया है, ये साइन भी कर दिया, कह रहे हैं कि बस निकलो यहाँ से। खैर यहाँ पढ़ना कौन चाहता है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। जब भी मैं हेलो गॉड आप आज परफॉर्म कर रही हैं? जी आप परफॉर्म कर रही हैं आज? क्योंकि कह रही हैं तो आई डोंट वांट टू मिस। नहीं नहीं मैं परफॉर्म नहीं करती, आपको गलतफहमी हुई है। रियली? इतनी बुरी मेमोरी तो नहीं हो सकती मेरी। अच्छा अगर इतनी अच्छी मेमोरी है तो कुरान हिफ्ज कर लो। देखा सही पहचाना है मैंने आपको। भाई इधर हूँ, बिल ला दे। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एज वेल यू नो फॉर यू टू परफॉर्म। कबीर बाय द वे। अब तुम्हारा नाम कबीर हो या शबीर हो मैंने पूछा है? भाई इधर, जिंदा हूँ। एक्चुअली मैंने आपका पहली आपकी परफॉर्मेंस मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में देखी थी, एंड आई जस्ट लव योर विट एंड यू नो टाइमिंग और आपका रुक। जो कर रहे हो बहुत बहुत पुराना है, तो हमारे माँ बाप के ज़माने का था, शायद उनसे भी पहले का था आई थिंक। क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम कर रहे हो, एक लड़की को देखा है कैफे में, वो बैठी हुई है, जाके उसे कहा आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर कुछ नया ला पका मत। स्टैंड अप गर्ल जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे। हम नए सफ में थे और नौ सफ में थे, रास्ते में खड़े उनको तकते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। लौट के आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी यकम जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।